ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो डिटरमिन द लेवल ऑफ आउटपुट एट विच प्रोड्यूसर विल बी इन इक्विलिब्रियम, यूज एमसीएमआर अप्रोच, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। ठीक है जी, आउटपुट एआरटीसी हमें बोला है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम आइडेंटिफाई करना है, प्रोड्यूसर इज सेट टू बी इन इक्विलिब्रियम, एमसी इज इक्वल टू एमआर, तो हमें ना एमसी गिवन है ना एमआर, तो पहले वो कैलकुलेट करेंगे। प्राइसेस कांस्टेंट है, यस और नो? एआर क्या होता है? प्राइस, तो प्राइस जब कांस्टेंट है तो एमआर क्या होगा? इसमें कोई डाउट? एमसी क्या होगा? एमसी होता है, करेक्ट, टीसीएन माइनस टीसीएन माइनस वन। तो फर्स्ट लेवल पे जीरो पे मतलब नॉट डिफाइंड भी लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना? अदरवाइज हमें नोट देना पड़ेगा, क्योंकि अगर उन्होंने कोई फिक्स कॉस्ट नहीं दी तो फिर हम अज्यूम करेंगे यही है जो है, ठीक है ना? तो पिछले पे जीरो मानेंगे हम, अगर कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है तो जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे जीरो कॉस्ट मानेंगे, अगर हमें फिक्स कॉस्ट की कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है तो। अब एक से दो पे कितना हो गया? 8 7 15, 15 7 22, 22 8 6, 28 5, 33 7। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे भी इक्वल है एम सी एम आर, यहाँ पे भी इक्वल है, लेकिन इसके बाद क्या हो रहा है? एम सी गिर रहा है। तो क्या ये हो सकता है? क्या ये हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि गिर नहीं रहा। ये हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि एम सी गिर रहा है। फिर यहाँ पे भी इक्वल है, एम सी इक्वल टू एम आर। इस पॉइंट के बाद क्या हो रहा है? एम सी बढ़ रहा है, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या हुआ? समझ आया? किसको समझ नहीं आया हैंड रेज करेंगे, मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगा। पक्का समझ आया? एम आर व्हेन प्राइसेस आर कांस्टेंट, ए आर इज इक्वल टू एम आर। आपका डाउट? मतलब हाँ, मतलब मैं वही पूछ रहा हूँ, कौन सा कहाँ तक समझ आया? वो पहले सप्लाई तक समझ आया था या इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, कहाँ तक समझ आया? शुरू से शुरू करूँ ये वाला नहीं क्वेश्चन? शुरू से शुरू करूँ ये वाला क्वेश्चन? नहीं उसको मार्जिन मार्जिनल कॉस्ट शुरू से शुरू करूं? ठीक, ध्यान से देखो, एम आर कैसे आ गया, ये पॉइंट ले रहा है आपका रिया। एम सी इज इक्वल टू टी सी एन माइनस टी सी एन माइनस वन, याद है? क्या ये एक्सप्लेन करूं पहले? डिफरेंस बिटवीन टोटल कॉस्ट, कि एक यूनिट बनाने का खर्चा कितना है आपका? टोटल 8 रुपए। दो यूनिट बनाने का टोटल 15 रुपए, तो एक और यूनिट बनाने का एडिशनल खर्चा कितना हुआ? दैट इज मार्जिनल कॉस्ट। जब एक भी यूनिट नहीं बना रहे थे तो कितना खर्चा हो रहा था? जरूरी नहीं है हमेशा जीरो हो। इस क्वेश्चन में हमें कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है इसलिए जीरो है, क्योंकि जीरो लेवल पे भी एक कॉस्ट इनकर होती है जिसको हम प्यार से, तो यहाँ पे नहीं है फिक्स कॉस्ट। क्लियर? तो फर्स्ट लेवल पे टीसी और एमसी इक्वल होगा, इसमें कोई डाउट? अब एक और यूनिट बनाई तो और कितना खर्चा हुआ? एक और यूनिट बनाई तो और कितना खर्चा हुआ? अब ये कैसे कैलकुलेट हुआ, ये वाला पार्ट क्लियर हो गया, ठीक है ना? अब आ जाते हैं इक्विलिब्रियम पे। इक्विलिब्रियम कब अचीव होता है? व्हेन एमसी इज इक्वल टू एमआर। एमसी इक्वल टू एमआर यहाँ पे भी है, बट सेकंड कंडीशन क्या है? एमसी शुड बी मोर देन एमआर बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ इक्वालिटी ऑफ एमसी एमआर। तो बट बियॉन्ड दिस पॉइंट एमसी इज इक्वल टू एमआर, बियॉन्ड दिस पॉइंट एमसी इज लेस देन एम आर। तो क्या ये हो सकता है? फिर यहां पे इक्वल हो रहा है, इसके बाद ये है, तो ये हो सकता है, यही है, समझे? किसी को डाउट? पक्का दोबारा एक्सप्लेन करूं? ठीक है, ध्यान से देखेंगे। सेम है, प्राइस क्या होता है? ए आर सेम है, तो यही क्या हो जाएगा आपका? एम आर। प्राइस और ए आर तो सेम होता है, एक ही बात है। अब अगर वो कांस्टेंट है तो वही एमआर भी हो जाएगा, अगर वो कांस्टेंट है, बी केयरफुल, अगर वो कांस्टेंट। टीसी से क्या निकाल देंगे हम? अपने आप करने का मन होगा आपका, ये वाला जो दिमाग है हम करेंगे, कोई बात नहीं, कर लेना, हो जाएगा। ध्यान से देखना, थर्ड इंपॉर्टेंट है, मजेदार मजेदार। फिर से इक्विलिब्रियम निकालना है, एमसीएमआर अप्रोच। अब एक
छोटा सा मजेदार पॉइंट, ए आर दे रखा है, अब ए आर से एम आर कैसे निकालोगे, अब आएगा मजा।